वेलकम यू ऑल इन द बगड़ियावाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लासेस. नेक्स्ट टॉपिक इज लिस्ट मैनिपुलेशन. लिस्ट मैनिपुलेशन मींस चेंज इन द लिस्ट, मींस एडिंग एलिमेंट, डिलीट और चेंज द एलिमेंट ऑफ लिस्ट. एंड फर्स्ट इज क्रिएटिंग एंड एक्सेसिंग ए लिस्ट. कैसे अपन को लिस्ट को बनाते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं. एंड ए लिस्ट इज ए स्टैंडर्ड डेटा टाइप ऑफ पाइथन. लिस्ट क्या एक स्टैंडर्ड डेटा टाइप है, किसका, पाइथन का. That can store a sequence of values belonging to any type. जो क्या करता है, जो स्टोर करता है सिक्वेंस को, किसके सिक्वेंस को, वैल्यूज के सिक्वेंस को, और जो किसी भी टाइप का हो सकता है. The list are depicted through square bracket. इसको कैसे यहाँ पे अपन जो लिखेंगे या अपन कह सकते हैं कैसे इसको अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे करेंगे उसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर करेंगे. ओके okay? अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे अपन, स्क्वायर ब्रैकेट के थ्रू. एग्जाम्पल फॉर सॉरी फॉलोइंग आर सम लिस्ट इन पाइथन. यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं, देखिए क्या है. अब अपन इसमें कुछ की पॉइंट्स दे रखे हैं जिसके बारे में बात करते हैं. लिस्ट आर म्यूटेबल सिक्वेंस ऑफ पाइथन. लिस्ट का एक म्यूटेबल सिक्वेंस ऑफ पाइथन है. म्यूटेबल मीन्स जिसमें चेंज हो जाता है, इट मीन्स उसमें चेंज हो जाएगा. You can change element of list in place. आप list के element को उसी place पे change कर सकते हैं. List can contain values of mixed data type. List है वो mixed data type, मतलब अलग अलग type की value रख सकती है. Next आ रहा है, वो आ रहा है list are formed by placing a comma separated list of expression in square bracket. List यहाँ पे क्या है, list क्या है यहाँ पे, comma separated list of expressions. तो देखिए कैसे, फर्स्ट दे रखा है वो क्या, एक एम्प्टी लिस्ट है. इट मींस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कोई भी आर्गुमेंट नहीं है, इट मींस वो क्या, एक एम्प्टी लिस्ट. तो सब क्या कहेंगे, लिस्ट विथ नो मेंबर या नो आर्गुमेंट या नो एलिमेंट, जैसे अपन क्या कहेंगे, एम्प्टी लिस्ट कहेंगे. तो देखिए लिस्ट क्या, एक म्यूटेबल है, आपको इतना ध्यान में रखना है. और ये किसी भी टाइप का डेटा वो रख सकती है, मतलब अलग अलग टाइप की डेटा वैल्यू वो कंटेन कर सकती है. नेक्स्ट आपको दे रखा है उसमें क्या है, 1, 2, 3 लिस्ट ऑफ इंटीजर्स. ये क्या है, लिस्ट ऑफ इंटीजर्स है. नेक्स्ट दे रखा है 1, 2.5, 3.7 और 9. तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ नंबर्स, इसमें क्या है, इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट. इट मींस बोथ नंबर यहाँ पे है, रियल नंबर भी और इंटीजर भी है. नेक्स्ट इज एबीसी. अब एबीसी यहाँ पे क्या होगा, लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स. ओके नेक्स्ट आपका दे रखा है, वो दे रखा है ए, देन 1, देन बी 3.5 और देन 0. ये क्या हो गया, मिक्स डेटा टाइप. नेक्स्ट आप क्या कहें, 1, 2 और 3, ये क्या है, स्ट्रिंग है. तो ये क्या हो गया, लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग. स्ट्रिंग मीन्स कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स. ठीक है, तो ये कैसे अपन लिस्ट बनाते हैं. अगर इसको अपन को एक्सेस करना है, देन अपन क्या करेंगे, वन बाय वन एक्सेस करेंगे. या अपन कह सकते हैं इसको प्रिंट करना हो तो इसको प्रिंट के अंदर यहाँ पे जो भी इसका अपन यहाँ पे जो वेरिएबल बनाते हैं उसको अपन क्या करेंगे, प्रिंट के अंदर लिखेंगे. जैसे लाइक इस लिस्ट का नेम है, जैसे ये लिस्ट है, इसका नेम है ए. एंड अगर मैं इसको आउटपुट में लेना है, देन मैं इसको प्रिंट के अंदर लिखूंगा. एंड प्रिंट, और इसके अंदर कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट के अंदर अपन लिख देंगे ए. तो उसके बाद में क्या होगा, ये लिस्ट है वो प्रिंट हो जाएगी. नेक्स्ट इज क्रिएटिंग ए लिस्ट. तो वही बात है, कैसे बनाते हैं, टू क्रिएट ए लिस्ट पुट द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन स्क्वायर ब्रैकेट. कहाँ पे रखे अपन, नंबर ऑफ एक्सप्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखिए. That is use square bracket to indicate the start and end of the list and separate the items by commas. और अपन क्या करें, जो आइटम उसको किस से सेपरेट करें, कोमा से सेपरेट करें. इसलिए आपको दे रखा है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, और देन जितने भी आइटम हैं अपन कह सकते हैं एलिमेंट, उनको कोमा से सेपरेट किया गया है, और वो किसी भी टाइप के हो सकते हैं. नेक्स्ट इज द एम्प्टी लिस्ट. एम्प्टी लिस्ट क्या होती है, जिसके अंदर कोई भी आर्ग्यूमेंट ना हो, कोई भी एलिमेंट ना हो. This is empty list. इसे अपन क्या कहेंगे, empty list. It is the list equivalent to 0 or then ये जो आपका string का sign है and then like them, it also has a truth value as a false. तो इसकी truth value की बात करेंगे अपन, कि इसकी truth value क्या होती है. Normally अपन ये कहें कि अगर कहीं पे भी list दी गई हो और वो empty हो, it means उसका उसकी value क्या होगी, वो क्या होगी, 0 होगी. Okay? Next देखा, you can create एन एम्प्टी लिस्ट एज. कैसे लिस्ट अपन एम्प्टी लिस्ट बनाएंगे, तो देखो अपन ऐसे भी बना सकते हैं. लिस्ट एक फंक्शन है, और देन आपने इसमें कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, तो एल क्या बन जाएगा, यहाँ पे
एक एम्प्टी लिस्ट बन जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज अ लॉन्ग लिस्ट. लॉन्ग लिस्ट मीन्स जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट या नंबर ऑफ जो वैल्यू जब वो ज़्यादा हो वो क्या हो जाएगी आपकी एम्प्टी लिस्ट हो जाएगी. एंड ए लिस्ट कंटेन मैनी एलिमेंट्स देन टू इंटर सच लॉन्ग लिस्ट यू कैन स्प्लिट इट अक्रॉस सेवरल लाइन्स. देखिए ये क्या बोल रहा है, बहुत सारे एलिमेंट दे दिए तो उसे अपन ने क्या कहा, लॉन्ग लिस्ट कह दिया. ठीक है, इसे अपन स्प्लिट भी कर सकते हैं अलग अलग लाइन्स के अंदर. नेक्स्ट आपका दे रखा है वो दे रखा है नेस्टिंग लिस्ट. लिस्ट की नेस्टिंग करना. तो देखिए नेस्टिंग का मतलब क्या होता है, लिस्ट के अंदर लिस्ट को रखना, वो क्या होता है नेस्टिंग. ऐसा अपन ने पढ़ा था पहले, इफ के अंदर इफ देन इफ की नेस्टिंग, लूप के अंदर लूप इट मीन्स लूप की नेस्टिंग. तो अभी बात आ रही है लिस्ट, नेस्टेड लिस्ट, इट मीन्स कि लिस्ट के अंदर लिस्ट का यूज करना. ए लिस्ट कैन हैव एन एलिमेंट इन इट. एक लिस्ट है अपने अंदर एज ए जो एलिमेंट रखती है विच इट सेल्फ इज ए लिस्ट. अब देखिए क्या है, एक लिस्ट अपने अंदर कोई एलिमेंट रखती है और वो भी किस टाइप का हो, क्या हो, लिस्ट हो. सच लिस्ट इज कॉल्ड नेस्टेड लिस्ट. इस प्रकार की लिस्ट को अपन क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट. कैसे, तो देखिए यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट होता है और ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज होता है. ये क्या है, कंप्लीट लिस्ट है. इसके अंदर आपको एक और लिस्ट मिल जाएगी जो मैंने यहाँ पे बता रखा है. ये क्या है, एक और 5 और 6, ये अपने आप में एक लिस्ट है. तो देखिए लिस्ट के अंदर क्या आ रही है आपकी, एक और लिस्ट आ रही है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, नेस्टेड लिस्ट. L1 इज अ नेस्टेड लिस्ट विथ 4 एलिमेंट. L1 के पास क्या, कितने एलिमेंट है, 4. कौन सा, ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे, देन ये 2 पे, ठीक है, और ये क्या आ जाएगा 3 पे. और 2 के 0 पे क्या रहेगा, 5, और 2 के 1 पे 6. ओके, तो देखिए ये क्या बोल रहा है, L1 इज ए नेस्टेड लिस्ट विथ 4 एलिमेंट, 3, 4, देन 5, 6, ये हो गया, और देन 7. ये 4 एलिमेंट इसके पास है. L of 2 is element is a list or a list 5, 6. अगर अपन बात करें L2 की, L2 मतलब L जो आपकी लिस्ट, L1 जो है, और साथ में क्या है, 2 इंडेक्स. इंडेक्स मतलब जो 0 से ऑटोमेटिकली स्टार्ट होती है. तो फर्स्ट आपका एलिमेंट है वो 0 पे है 3, फिर 1 पे है 4, फिर 2 पे क्या है 5 और 6 दोनों है, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है, लिस्ट है. और देन क्या आ गया 3 पे क्या आ गया 7. ठीक है, तो ये बोल रहा है कि L1 ऑफ 2 इट मीन्स सेकेंड इंडेक्स जो सेकेंड इंडेक्स की बात करें तो 0 से स्टार्ट हो रही इंडेक्स, एंड 0, 1, 2, तो थर्ड एलिमेंट इज ए लिस्ट. थर्ड एलिमेंट इसमें क्या है, लिस्ट. देन लेंथ ऑफ L1 इज 4. लेंथ जो L1 है उसकी लेंथ क्या होगी, 4 होगी. क्यों होगी, क्योंकि इसमें जो वैल्यू है वो कितनी है, या अपन कहें एलिमेंट कितने हैं, 4 है. ठीक है, कौन कौन से हैं, 3 है, 4 है, देन 5, 6 अपने आप में क्या एक लिस्ट है, तो इसको एक ही एलिमेंट माना जाएगा. और देन 7, इट काउंट 5, 6 एज पर 1 एलिमेंट. इसको क्या कहेंगे, वो 1 एलिमेंट कहेंगे. ऑल्सो एज द L1 ऑफ 2 इज अ लिस्ट दैट इज 5, 6 विच मीन्स L2 ऑफ 0. अब देखिए 2 ऑफ 0 में मतलब क्या है कि 2 के 0 पे क्या है, तो भैया 2 पे तो क्या है 5, 6. देखिए इसको अपन सही करते हैं, देखिएगा एक बार. यहां पर देखिए ये 0 पे है, ये 1 पे है, नेक्स्ट ये 2 पे है, और ये 3 पे है. अब देखो यहां पर 2 के 0 पे क्या है, 5 है, और 2 के 1 पे क्या है, 6. ओके, तो ये अपना क्या कि कैसे जो नेस्टेड लिस्ट, तो ये बोल रहा है कि L1 2 ऑफ 0 विल गिव अ 5. ये क्या देगा आपको, 5 देगा. क्यों देगा, क्योंकि ये क्या है, 0 पे है 5. ठीक है, नेक्स्ट आपका दे रखा है L1 2 ऑफ 1 विल गिव 6. ये अपन को क्या देगा, 6 देगा. ओके, नेक्स्ट इज क्रिएटिंग लिस्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग सीक्वेंस. पहले से कोई सीक्वेंस बना है उसके अकॉर्डिंग अपन को क्या बनाना है, लिस्ट बनानी है. तो कैसे बनाते हैं, यू कैन ऑल्सो यूज द बिल्ट इन लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट टू क्रिएट अ लिस्ट फ्रॉम अ सीक्वेंस एज पर सिंटेक्स. क्या आप एज पर सिंटेक्स है, पहले से अगर आपने कोई सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग क्या बना सकते हो, लिस्ट बना सकते हो. कैसे, देखिए लिस्ट फंक्शन है, यहाँ पे आपने क्या दे दिया, हेलो. हेलो अपने आपने क्या, एक स्ट्रिंग है. अभी इसके अंदर जाएगा तो यहाँ पर आपका क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगा. तो आपकी लिस्ट किस टाइप की होगी, इस टाइप की लिस्ट होगी. ओके, नेक्स्ट आपका देखा, देखिए ऐसे टपल को आपने इसमें डाल दिया, किसमें, ये देखो यहाँ पे इसको अपन क्या कह रहे हैं, टपल कह रहे हैं. यहाँ पे मैंने फंक्शन का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे फंक्शन आएगा लिस्ट. ओके, यहाँ पे फंक्शन आएगा लिस्ट, ये कहाँ पे आएगा, I2 = यहाँ पर आएगा. तो इसमें भी क्या बन जाएगा, लिस्ट बन जाएगी.
थर्ड आपको दे रखा है वो क्या देगा, लिस्ट इनपुट और देन इंटर द इंटर लिस्ट एलिमेंट। इट मीन्स ये क्या है, इनपुट फंक्शन क्या करता है, इनपुट लेने का काम करता है, मैसेज क्या आएगा, इंटर लिस्ट आइटम। और जैसे जैसे आप जो जो वैल्यूज इनपुट करते जाएंगे वो किसके अंदर जाती जाएगी, एल थ्री के अंदर, और एल थ्री क्या होगी, यहाँ पे लिस्ट होगी। ओके, इसलिए ये मैसेज आया आपके सामने, इंटर लिस्ट आइटम, आपने ये इनपुट कराया और देन आपकी जो लिस्ट है कुछ इस प्रकार की बनेगी। अब देखिए इसमें आपने देखा कि अपन ने लिस्ट फंक्शन का तो यूज कर लिया है, पर यहाँ पे अपन कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू अगर देते हैं तो वो एज ए कैरेक्टर ही जाएगी, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, सिंगल कोट के अंदर आएगा, जो आप देख रहे हैं 2, 3, 4 क्यों आएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या यूज नहीं किया, इंटीजर का कहीं भी यूज नहीं किया। ओके, तो ये है कि कैसे अपन लिस्ट को बनाते हैं, एग्जिस्टिंग सिक्वेंस है। ओके, नेक्स्ट देखिए जो दे रखा है वो दे रखा है एक्सेसिंग लिस्ट। एक्सेसिंग मीन्स वन बाई वन अपन क्या करेंगे, इसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, या कंप्लीट जो लिस्ट है उसको भी अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, लिस्ट क्या म्यूटेबल है, इट मीन्स एडिटेबल, इसमें चेंज किया जा सकता है। तो लिस्ट आर म्यूटेबल सिक्वेंस हैविंग ए प्रोग्रेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये क्या है कि अपन कह सकते हैं कि टेबल है किसकी, एलिमेंट्स की। सिमिलरिटी विथ स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की तरह जैसे अपन ने स्ट्रिंग पढ़ा वैसे ये लिस्ट आर सिक्वेंस जस्ट लाइक स्ट्रिंग। अब देखिए डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग है वो म्यूटेबल नहीं होती, जबकि लिस्ट है वो म्यूटेबल होती है। दे ऑल्सो इंडेक्स देयर इंडिविजुअल एलिमेंट जस्ट लाइक स्ट्रिंग डू। ये क्या कर सकती है, अपने इंडिविजुअल एलिमेंट है इसके भी अपने होते हैं जैसे स्ट्रिंग के होते हैं। इन द सेम मैनर लिस्ट एलिमेंट आर ऑल्सो इंडेक्सड, जैसे आपकी स्ट्रिंग के अंदर होती है वैसे इसमें भी क्या होती है, इंडेक्स होती है। देन ये बोला है फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। इट मीन्स कि जो आपके फॉरवर्डिंग इंडेक्सिंग होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से होती है, 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। और आपकी जो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, -1, -2, -3 ऐसे। अब देखिए फॉर एग्जांपल अपन देखेंगे कैसे अपन कोई इंडेक्स शो करेगी। तो देखिए अपने पास एक लिस्ट है, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट वन लिखा है और इसमें 5 एलिमेंट अपन ने यहाँ पे इंसर्ट कर दिए, AEIOU। ओके, अब देखिए ये 5 एलिमेंट आपको यहाँ पर शो हो रहे हैं AEIOU। अब अगर फॉरवर्ड इंडेक्सिंग की बात करें तो वो यहाँ से देखिए 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये क्या है, यहाँ आपकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग। अगर अपन बात करें बैकवर्ड इंडेक्सिंग की, तो बैकवर्ड इंडेक्सिंग है वो लास्ट एलिमेंट से स्टार्ट होगी और -1 से स्टार्ट होगी। तो लास्ट एलिमेंट क्या है, यू पे -1, ओ पे क्या आएगा -2, ऐसे ही आई पे -3, देन ई पे -4 और देन ए पे क्या आएगा -5। ओके, तो ये क्या है, एक्सेसिंग लिस्ट। कैसे अपन एक्सेस कर सकते हैं, अपन क्या यूज करेंगे यहां पर, इंडेक्सिंग का यूज करेंगे। और इंडेक्सिंग जो फॉरवर्ड इंडेक्सिंग है वो कहां से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। फॉर एग्जांपल देखिए यहां पे नेक्स्ट है LST1, यहां पे लिस्ट मैंने बनाई है और लिस्ट के अंदर क्या देगा, 47 ट्रू गुड और 4.59। ये चारों अलग अलग टाइप की वैल्यू है, लिस्ट कंटेन कर सकती है। तो यहां पे देखिए 0 पे क्या है, 0 पे 47, 1 पे क्या है ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट आएगा 2 पे क्या है गुड और देन 3 पे क्या है यहाँ पे 4.9। तो ये देखिए क्या कि अपन वन जो अपन इसका इंटरनली कैसे इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो ये बताता है कि इंडेक्सिंग होगी, बैकवर्ड भी होगी और फॉरवर्ड भी होगी। ओके, अब देखिए अगर अपन बात करेंगे एक्सेस करें अपन इंडिविजुअल एलिमेंट को तो कैसे अपन करें, ठीक है, अगर अपन को एक्सेस करना हो तो देखिए एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट, द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ लिस्ट आर एक्सेस थ्रू देयर इंडेक्स। इंडेक्स के थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, जो लिस्ट का कोई भी जो आपका इंडिविजुअल एलिमेंट है उसको अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे वोवल्स नाम से एक लिस्ट बनाई गई है जिसके अंदर एलिमेंट है AEIOU। ओके, नेक्स्ट अपन बात करें तो प्रिंट में अपन ने क्या किया है, वोवल्स ऑफ जीरो, वोवल्स ऑफ जीरो मतलब जीरो इंडेक्स में। इंडेक्सिंग अगर फॉरवर्ड की बात करें तो 0 से स्टार्ट होगा, 0, 1, then 2, then 3 और then 4। अगर अपन बात करें बैकवर्ड इंडेक्सिंग की तो ये -1 होगा, देन ये क्या होगा -2, देन थर्ड क्या होगा -3, देन फोर्थ -4 और नेक्स्ट आएगा वो क्या आएगा -5। ओके, तो देखिए अब 0 पे क्या ए है, कोई दिक्कत नहीं है।
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, फोर, फोर पे क्या भैया यू है ना, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट आपका जाएगा माइनस वन, माइनस वन पे क्या है यू है अगेन, तो यहाँ पे आंसर यू। माइनस फाइव, माइनस फाइव पे भैया ए है, फर्स्ट वाला एलिमेंट, यहाँ पे आंसर ये आ गया। देन दे रखा फाइव, अब फाइव पे कोई एलिमेंट ही नहीं है। अगर आपने इंडेक्स दिया है वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड जा रही हो, देन वो क्या करेगा जो पाइथन है वो आपको एक एरर रिटर्न करेगा, ठीक है, क्योंकि लिस्ट क्या आपकी, सॉरी इंडेक्स आपकी क्या आउट ऑफ रेंज। नेक्स्ट देखा, वाइल एक्सेसिंग लिस्ट इफ यू पास नेगेटिव इंडेक्स, अगर आप नेगेटिव इंडेक्स पास करते हैं तो पाइथन एट द लेंथ ऑफ लिस्ट टू द इंडेक्स टू गेट एलिमेंट फॉरवर्ड इंडेक्स, कि वो क्या करेगा पाइथन उसकी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग निकालेगा, कैसे निकालेगा वो देखिए। दैट इज फॉर सिक्स एलिमेंट, सिक्स एलिमेंट ऑफ लिस्ट, ठीक है, तो कैसे अपन करें, तो माइनस फाइव, माइनस फाइव जो विल बी इंटरनली कंप्यूटेड एज, कैसे कंप्यूट होगा, माइनस फाइव और देन उसके बाद में नंबर ऑफ जो आपके एलिमेंट है, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो सपोज दैट नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है सिक्स है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर एल वन आ जाएगा, ठीक है। तो ये अपना कि कैसे अपन एक्सेस करते हैं वन बाई वन एलिमेंट को, या अपन कह सकते हैं इंडिविजुअल एलिमेंट को, किसके अंदर, लिस्ट के अंदर। ओके, थैंक यू।